Any doubt from the last class? No, sir. Gravitation start here. देखो ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फोर्स तक हम डिस्कस कर चुके हैं. आफ्टर ग्रेविटेशनल फोर्स नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. So, देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या. अच्छा एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स में कोई रिलेशन याद है? एनी रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड फोर्स? फोर्स इज इक्वल टू एम ए. फोर्स इज इक्वल टू एम ए. सो एक्सेलरेशन विल बी फोर्स डिवाइडेड बाय मास. सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिंपली मींस कि अगर कहीं कोई ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है. व्हेन आई से ग्रेविटी दैट मींस इट्स अ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ. सो द एक्सेलरेशन व्हिच exist in a body due to the gravitational pull of earth is known as acceleration due to gravity. The simple calculation, so this is earth, the radius of earth is capital R, this is earth, on the surface of earth aapne ek body substitute kar diya. We placed a body of mass M on the surface of earth. Mass of earth is capital M. So capital M here is mass of earth. Capital R here is the radius of earth. And the small m is the body. So first of all, I need gravitational force on small m due to earth. I need gravitational force. Gravitational force on small m due to earth. So Roshni, what should be the formula of gravitational force on mass small m due to earth of mass capital M? Roshni. Yes, sir. Yeah, the formula for gravitational force on small m due to the earth. सर रोशनी को याद नहीं. एक मिनट एक मिनट. सूरत व्हाट इज द रिलेशन फॉर फोर्स ऑन मास स्मॉल एम ड्यू टू द अर्थ? सर आई माइट बी रॉन्ग बट कैन आई से द आंसर? यस 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 रोशनी. सर जी इनटू कैपिटल एम इनटू स्मॉल एम बाय आर. यस यू आर एब्सोल्युटली राइट. द राइट आंसर एफ इज जी एम एम बाय आर स्क्वायर. दैट्स ग्रेविटेशन फोर्स. Or you can say that this gravitational force is gravity. This is gravity. Now, if I ask you to calculate acceleration due to gravity. So, for acceleration due to gravity, what we will do, acceleration is just force divided by the mass of the body. So, that's gmm over r square divided by small m. It gets cancelled. So this G is, it's Gm over R square. So see here, capital M is the mass of Earth. Capital R is the radius of the Earth. Capital M is mass and capital R is radius of the Earth. So this is the formula for acceleration due to gravity. This is acceleration due to gravity. On surface of Earth. Excuse me, sir. Yes. सर जो भी आपने लिखा था फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स वो ग्रेविटी है. हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज नोन एज ग्रेविटी. सर तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ग्रेविटी इज इक्वल टू जी इनटू कैपिटल एम बाय स्मॉल एम बाय आर. या सो ग्रेविटी इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ इज ग्रेविटी. दैट्स इट. सो दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. हियर कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ.
कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ. अच्छा So, ये मैटर नहीं करता है कि आपकी बॉडी 1 kg की है या आपकी बॉडी 1000 kg की है. दोनों ही बॉडीज के लिए द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी सेम. अब अगर आप ये वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी नोवा? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कैपिटल जी क्या होगा? 9.8. अरे नहीं, कैपिटल जी 6.67 × 10⁻¹⁻ मास ऑफ अर्थ इज, ये आपको याद रखना होगा, 6 × 10⁻²⁴. दैट्स मास ऑफ अर्थ. रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 × 10⁻⁶. सो आप इसे सॉल्व करोगे, इट कम्स आउट टू बी 9.8 m/s². बट रिमेंबर, दिस इज द वैल्यू ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ. अगर आप अर्थ की सर्फेस से ऊपर जाते हो या अर्थ में कोई टनल आप डिग कर विद इन द टनल जा रहे हो, आप इन साइड द सर्फेस ऑफ अर्थ जा रहे हो, द वैल्यू ऑफ जी विल चेंज. दिस 9.8 इज ओनली ऑन द सर्फेस. लोगों ने बाद में ज्वाइन किया, लास्ट क्लास तक हमने फोर्स कंप्लीट कर लिया था. ग्रेविटेशनल फोर्स वी हैव फिनिश्ड. नाउ दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. दिस इज एक्सेलरेशन इन अ बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ. अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करने के लिए, दिस इज अर्थ, मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल एम, रेडियस ऑफ अर्थ इज कैपिटल आर, ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ आपने एक बॉडी रख दी ऑफ मास स्मॉल एम. सो दिस बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम विल एक्सपीरियंस अ ग्रेविटेशन फोर्स व्हिच इज एफ इज जी एम एम बाय आर स्क्वायर. नाउ आई नीड फोर्स ऑन दिस मास स्मॉल एम, दैट इज एफ जी एम एम बाय आर स्क्वायर. इस फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन आएगा व्हिच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, व्हिच इज सिंपली दिस ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द बॉडी. सो दैट इज जी एम बाय आर स्क्वायर. So this is acceleration due to gravity, gm by r square, on the surface of Earth. Note it down. Excuse me, sir. Yes. Sir, इसमें तो sir फिर mass of body matter नहीं करेगा ना? नहीं, mass of body matter नहीं करेगा. Cancel हो गया? Yes, sir. वही तभी पूछ रहा था. Noma, is it clear? Yes, sir. Arsalan, good out. No, sir. Miraj. बस यहीं से स्टार्ट किया था कुछ. अंशिका आप लेट हो गए आज? गुड इवनिंग सर, सॉरी. अंशिका जस्ट नोट इट डाउन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्टार्ट किया है तो ये तो मिस हो गया आपका शुरू का, ये लिख लीजिए. दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जी एम बाय आर स्क्वायर. Next thing here. So this is gm by r square. On the surface of earth, हम ये value use करेंगे. लेकिन आपको check ये करना है कि अगर आप earth की surface से ऊपर जा रहे हो,
तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर आप कुछ डेप्थ में जा रहे हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या चेंज आएगा? जैसे मुझे सूरत बताएगी, सूरत अगर मैं बॉडी को अर्थ की सरफेस ऊपर उठा के ले जा रहा हूँ, सो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ विल रिमेन कॉन्स्टेंट, इट विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज इफ आई एम टेकिंग दिस स्मॉल मास एम अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, कुछ हाइट एच पर ले गया, ग्रेविटेशनल फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा सूरत? अगर आप सेपरेशन बता रहे हो अर्थ और बॉडी के बीच में तो फोर्स कम हो जाएगी, फोर्स कम होने का मतलब है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगा, तो वेरिएशन चेक करना है आपको. So variation of acceleration of gravity. So variation of acceleration due to gravity में सब कई variations आते हैं. First variation is variation with height. हाइट के साथ कैसे वेरी करेगा? सो दिस इज अर्थ, मास कैपिटल एम, ये स्मॉल एम है, इसे मैं कुछ हाइट एच पर ले गया, रेडियस ऑफ अर्थ इज कैपिटल आर. सो जब भी आपके पास फेयर होगा, टेक ऑल सेपरेशन फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर टू सेंटर सेपरेशन कितना हो जाएगा? ये अब जब आप ग्रेविटेशन फोर्स कैलकुलेट करोगे ना, तब जब आप यहाँ ग्रेविटेशन फोर्स कैलकुलेट करोगे F, so that will be GMM. This R plus H is smaller, so you can write this as GMM by R square. So your acceleration due to gravity, I'm writing it G prime because G is a fixed value which is on the surface of Earth. अगर आप ऊपर जा रहे हो, then we call it as G prime. G prime will be F by M, so it's GMM by R square. Surat, value of acceleration due to gravity will remain same. It will increase or it will decrease? Yes, Surat. What will happen with the value of acceleration due to gravity at a height h? It will remain same. It would increase or it will decrease? Surat ka koi response nahi hai. Anshika, kya lagta hai? As compared to surface of Earth, this is the value on the surface of Earth, and this is the value at a height h. क्या हो रहा है? वैल्यू कांस्टेंट है, इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है? सर ये सर आई गेस डिक्रीज होगी विद हाइट. क्यों डिक्रीज होगी? रीजन लाइक एक ये एक्सप्रेशन, जैसे जैसे हम सरफेस से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे कम हो जाएगी. मैथमेटिकली देखो, यहाँ भी जी एम है न्यूमरेटर में, यहाँ भी न्यूमरेटर में जी एम है. डिनोमिनेटर में हेयर दिस इज कैपिटल आर स्क्वायर और डिनोमिनेटर में हेयर इट्स स्मॉल आर स्क्वायर. तो जो स्मॉल आर है दैट्स ग्रेटर देन कैपिटल आर. तो डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो ओवरऑल फ्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, राइट सूरत? यस सर. सो इट विल डिक्रीज विद हाइट. तो जैसे जैसे आप हाइट पर जाओगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगा. अब आप एक काम और भी कर सकते हैं, G prime is GM by R plus H square. Yes. Sir, जो value 9.8 है, वो तो हमेशा constant ही रहती है, तो फिर decrease कैसे हो रहा है? That 9.8 is only on the surface of Earth. अगर आप कुछ height पर जा रहे हो, then it will decrease. It won't be 9.8 now. That will be तो less than 9. तो मतलब Earth की surface से अगर आगे हो जाए? हाँ, yes. Earth की surface जैसे आप ऊपर जाओगे. So it will decrease. अब होता है ये कि if you are, let's say आप बॉडी को 10 मीटर 20 मीटर की हाइट पर थ्रो कर रहे हो, तो इंक्रीमेंट सिग्निफिकेंट नहीं होगा, डिक्रीज होगा. लाइक इंस्टेड ऑफ 9.8, अगर आप 10 मीटर की हाइट पर चले गए, दिस विल बी अराउंड 9.7999.
बट ये ऑलमोस्ट और ये सेम है, इसीलिए कहते हैं कि हाइट बहुत कम है तो कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा. बट इफ यू आर टेकिंग योर बॉडी टू हाइट ऑफ लेट्स से 1 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में सिग्निफिकेंट चेंज आएगा. मे बी इंस्टेड ऑफ 9.8, 9.7 होगा. माउंट एवरेस्ट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 नहीं होगी, इट विल बी लेस देन 9.8, मे बी 9.65, 9.67 ही वैल्यूज होगी. सो इट विल डिक्रीज विद हाइट. तो एक तो एक्सप्रेशन ये है हाइट के लिए, एक एक्सप्रेशन आप इसे लिख सकते हैं जीएम बाय आर प्लस एच स्क्वायर. इसमें बहुत एक्सप्रेशन आते हैं, सिर्फ इस एक्सप्रेशन को आप मॉडिफाई करते चले जाओ. एक और एक्सप्रेशन है इट्स जीएम. मिराज इसमें से डिनोमिनेटर में से कैपिटल आर कॉमन लो, मुझे बताओ क्या बचेगा. आर प्लस एच स्क्वायर में से कैपिटल आर कॉमन ले लो मिराज, मुझे बताओ क्या बचता है. एच. अरे नहीं यार अरसलान. सर 1 प्लस आर. देखो r कॉमन लोगे तो बाहर जाएगा r स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है. और कॉमन लेने का मतलब है दोनों को कैपिटल r से डिवाइड कर दिया. अब सूरत बताएगी, सूरत के पास मैथ्स है. सूरत दोनों को कैपिटल r से डिवाइड करो, मुझे बताओ क्या टर्म आएगी. सर एक मिनट और बैठे, एक मिनट. सूरत यस सर. यस R common from this term, क्या बचेगा? Sir, GM upon R plus 1 by HR. So if you take capital R is common, you will be left with 1 plus H by R, then whole square. Yes, sir. And what is GM by R square? Noma, what is GM by R square? Small g. So we'll write this as g by, it's 1 plus h by r whole square. So ek ye bhi expression hai jo aap medicals mein use kar sakte hain. Aap ek change aur kar sakte ho. You can take this 1 plus h by r in the numerator. If you take 1 plus h by r in the numerator, to aap express formula ke power kya hogi 1 plus h by r ki? Sir negative ho jayegi. Negative ho jayegi. Ab yahan par na aap binomial expansion use kar sakte. Binomial expansion. So, binomial expansion kehta hai ki if you have 1 plus x to the power n, you can write this as 1 plus nx, provided x is very, very less than 1. If this x term is less than 1, then 1 plus x to the power, any power will be 1 plus nx. Like main aapse keh raha hu, 1 plus x to the power 10 kar do, so that will be 1 plus 10x. But this is true only if this x is very small. Ab yahan dekho. Can you compare instead of x हम क्या use कर रहे हैं? ये मुझे अंशिका बता देगी. अंशिका यहाँ instead of x हम क्या use कर रहे हैं? If I compare these two. Sir r. Again. H by r. H by r. And instead of n आप क्या use कर रहे हैं? Sir minus two. Minus two. So इसको use करने के लिए the condition is this term should be less than one. That means if h by r is very very less than one. Means you can say that h is very very less than r. If your h is very very less than r, then you can write this 1 plus h by r to the power minus 2 as 1 minus 2 h by r. I'm using this expansion. So if I substitute this value over here, then you will get your g prime is g, it's 1 minus 2 h by r. So this is your acceleration due to gravity. It's g into 1 minus 2 h by r. But this is true only if height is very, very less than the radius of Earth. Dekho, radius of Earth kitna hota hai? 6400 kilometer. So agar main aapse keh raha hu ki, let's say height is some 100 meter, 200 meter, toh ye justify ho raha. You can use this expression. But if I'm saying that your height is, let's say, 50 kilometer or 100 kilometer, toh your height is not very less than the radius of Earth. तो आप ये यूज नहीं कर सकते. यू विल ईदर यूज दिस एक्सप्रेशन और यू विल यूज दिस एक्सप्रेशन और यू विल यूज दिस एक्सप्रेशन और यू विल यूज दिस एक्सप्रेशन. ये आप यूज नहीं कर सकते. तो आप तभी यूज करोगे व्हेन योर हाइट इज वेरी वेरी लेस देन द रेडियस ऑफ अर्थ. चलिए लिखिए. अब इसमें और वेरिएशंस में है, डेप्थ के साथ देखना है. सर सर वो जो आपने हाइट वाला पॉइंट बोला, तो सर उसमें क्या मिनिमम लेंगे कि सर वो फार्मूला यूज कर सके? 1 से कम आना चाहिए, लाइक 0.5 से भी, ऐसा हो कि 0.1 से भी कम वैल्यू आ रही है h by r करके.
तो वहां से आप बेस कर सकते हो. ओके सर. तो फिर बस उसमें g डैश वो वाला मतलब इज इक्वल टू gm बाय r + h स्क्वायर यूज करेंगे. कब कब से इसी में अगर r जैसे आपने लिखा ज्यादा हो गया ज्यादा लेस हो गया ना. अच्छा अगर कंपेरेबल हो जाए r h r के. Yes, इस कंडीशन की बात कर रही हैं साची आप. इस कंडीशन की बात कर रही हैं. अभी आपने बोला ना कि ये सिर्फ इसी में यूज कर सकते अगर h बहुत कम हुआ एंड अगर h उतना कम नहीं हुआ तो फिर कौन सी वाली करेंगे. देन ऑल ये वाली भी आप यूज कर सकते हो. आप ये भी यूज कर सकते हो. आप ये भी यूज कर सकते हो. तीनों में से कोई. ओके सर. चलो जल्दी से लिख लो इतना. विल डू नेक्स्ट वेरिएशन. डेप्थ के साथ क्या होता है पहले सारे वेरिएशंस देखेंगे देन विल कम टू न्यूमेरिकल्स. सूरत कोई डाउट इसमें. नो सर. सूरत ये कभी कभी क्या हो जाता है छोटी छोटी मिस्टेक करने लगती हो. कुछ और भी कर रही हैं आप क्लास के साथ साथ. नो सर. ऐसे तो नहीं है कि मूवी भी चल रही हो साइड में. नो सर. नो सर. चलिए इसको जूम आउट कर दो सर. Sir, could you please scroll down? तो नोट कर लियोगा आप लोगों ने. Thank you.
So that was variation of acceleration due to gravity with height. Next, देखो variation with depth. Depth के साथ कैसे vary करेगा? Variation with depth. डेप्थ के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी करता है? दिस इज अर्थ, तो मैंने क्या यहां पर ना एक टनल खो दिया और उस टनल में मैंने कुछ डी डेप्थ में, लाइक ये टनल है, इस टनल में कुछ डेप्थ में मैंने मास रख दिया. ये मास मैंने यहां रख दिया इन अ डेप्थ डी, सम डी इज डेप्थ, द रेडियस ऑफ अर्थ इज कैपिटल आर, सो डी इज डेप्थ. सो ये मुझे कोई बताएगा, लाइक अर्पित मुझे बताओगे अर्थ के सेंटर से ये सेपरेशन कितना है? मास से अर्थ के सेंटर से कितने सेपरेशन पर रखा हुआ? यस सर, क्या सेपरेशन ऑफ मास इन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ कितना है? ये सेंटर ऑफ अर्थ है, दिस इज यस r माइनस d, यस, और ये मास सेम है, सो मास सेम और सेंटर ऑफ अर्थ में जो सेपरेशन है दैट इज r माइनस d, ये सेपरेशन सेंटर ऑफ अर्थ और मास सेम, r माइनस d सेपरेशन. अब देखो यहां, अब यहां थोड़ा सा ना ट्रिक है कि अब टोटल अर्थ का जो मास है दैट मास इज कैपिटल एम, ऐसा नहीं होगा कि पूरी अर्थ कैपिटल एम इज मास ऑफ अर्थ, ऐसा नहीं होता कि पूरी अर्थ इस बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करे. अगर एक बॉडी को आपने अंदर रख दिया तो ये बॉडी क्या करती है, अर्थ को, बहुत ढंग से सुनता, मैं किसी से भी पूछ लूंगा जितना मैं कह रहा हूँ सारा रिपीट करवा लूंगा. अगर आपने एक बॉडी को अर्थ के अंदर रख दिया विद इन द कोर ऑफ अर्थ, तो ये बॉडी अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी. एक वो रीजन होगा, ये इनर रीजन है, मींस ये स्मॉल एम जो रखा है इसके अंदर का रीजन, और एक ये रीजन है जो आउटर रीजन, एक इनर रीजन है और एक आउटर रीजन. तो ये जो इनर रीजन है ना, दिस इनर रीजन विल एक्सर्ट फोर्स ऑन स्मॉल, सिर्फ इनर रीजन, सिर्फ ये वाला रीजन, बाहर वाला रीजन फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा दैट वी विल डिस्कस, बट पहले ये फैक्ट समझो, सिर्फ ये जो रीजन है दैट विल एक्सर्ट फोर्स ऑन स्मॉल एम, सो ओनली इनर रीजन विल एक्सर्ट फोर्स ऑन स्मॉल एम, तो सिर्फ ये इनर रीजन फोर्स एक्सर्ट करेगा. अब ये क्यों करता है दैट वी विल डिस्कस, मतलब ये हमें डिस्कस करना है अभी, इनर रीजन फोर्स एक्सर्ट करेगा. आप एक बात बताओ मुझे महराज, पूरे अर्थ का मास कैपिटल एम है, ये जो मैं इनर रीजन ले रहा हूँ क्या इसका भी मास कैपिटल एम होगा? हाँ महराज, हाँ मैं नहीं समझा महराज, दोबारा बोलो, मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल एम, मैं कह रहा हूँ क्या इनर रीजन का भी मास कैपिटल एम, मास कैपिटल एम ही होगा, कैपिटल एम ही होगा. अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे मोबाइल फोन का कुछ मास होगा, मैं उसको आधा कर दूं तो दोनों पार्ट्स का मास सेम रहेगा या हाफ हो जाएगा? हाफ हो जाएगा. अब तो पूरे अर्थ का मास कैपिटल एम है, मैं आपसे कह रहा हूं अर्थ का इतना सा पोर्शन ले लीजिए इसका भी मास कैपिटल एम होगा, और इट शुड बी लेस देन कैपिटल. नहीं सर, नहीं सर, सॉरी सर, कम होगा ना, इट विल बी लेस देन कैपिटल, लेस देन कैपिटल. सो अब ये जो एम प्राइम में जिस रीजन का मास ले रहा हूँ उसका रेडियस कितना है सांची? एम प्राइम में जिसका मास ले रहा हूँ उस रीजन का रेडियस कितना है? R minus D. So M prime is mass of region having radius R minus D. So जिस region का radius R minus D है उसका mass है M prime. अब आप एक काम करो, मुझे बताओगे इस small m के ऊपर force कितनी होगी, gravitational force on small m? Gravitational force on small m.
अब बताओ मुझे जरा सा, स्मॉल एम पर ग्रेविटेशन फोर्स कितनी हो जाएगी? हाँ बताया भाई, ये जो स्मॉल एम रखा है यहाँ, रेडियस इज आर माइनस डी, इसका मास है एम प्राइम, इस एम प्राइम रीजन की वजह से स्मॉल एम पर ग्रेविटेशन फोर्स, कोई एक ट्राई करेगा? तुमा ट्राई करोगी स्मॉल एम पर फोर्स कितनी होगी? जी एम बाय आर माइनस डी। जी एम प्राइम एम ना? यस सर। अपॉन आर माइनस डी स्क्वायर, राइट, आर माइनस डी स्क्वायर ही होगा। अच्छा अब मुझे सूरत बताओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे आएगा? वी नो फोर्स ऑन मास स्मॉल एम, जी प्राइम कितना होगा? जी प्राइम कितना आएगा बच्चों? रोशनी जी प्राइम कितना होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा इस पॉइंट पर? फोर्स मैंने कैलकुलेट कर दी एक मिनट अर्पित। यस रोशनी ट्राई करो, गलत होगा तो क्या हुआ? मतलब फोर्स आपको बता दी मैंने, ग्रेविटेशन फोर्स कितनी एक्ट कर रही है, जस्ट आस्किंग अबाउट द एक्सेलरेशन। सर आपने क्या करवाया एक बार रिपीट कर दीजिए। जस्ट इधर आओ, फोर्स मैंने कैलकुलेट कर दी, ग्रेविटेशन फोर्स कितनी एक्ट कर रही है, आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना होगा? रोशनी साची GM prime over R minus D square. So this is G prime. Acceleration due to gravity is GM prime over R minus D square. This is acceleration. अब इसमें एक problem है कि M prime known नहीं है. जो known है, that is the capital total mass of the Earth. इतना लिखो, then we'll see how to calculate this M prime. So Sidra और Alvia, आप दोनों लेट हैं, हम acceleration due to gravity कर रहे हैं. उसमें हम एक variation कर चुके हैं, height के साथ कैसे vary करेगा? We are doing variation with depth. So, देखो डेप्थ के साथ वेरिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाकी लोग लिखना शुरू करो, लास्ट स्टेप में लिखेंगे प्राइम। सो दिस इज अर्थ, कंप्लीट अर्थ, ये जो येलो से मैं शो कर रहा हूँ, अर्थ का मास है कैपिटल एम, अर्थ का जो रेडियस है दैट्स कैपिटल आर, अर्थ में आपने एक टनल डिग की एंड विद इन दैट टनल डी डेप्थ में आपने एक मास स्मॉल एम रख दिया। सो फर्स्ट टास्क इज टू गेट द फोर्स ऑन स्मॉल एम। सिद्रा ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कैसे करते हैं जरा मुझे फॉर्मूला बताइए, how to calculate gravitational force on a mass? Newton's law of gravitation, Alvia, gravitation force ka relation kya tha? Newton's law of gravitation last class mein kya tha? Chidra, am I audible? Alvia, सर जो ये जी प्राइम है वो डेप्थ पे हमेशा यही आएगा? अभी तो उसको और कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी तो ये एम प्राइम दिया हुआ है, मुझे किसी तरह से इसे मास, टोटल मास के टर्म्स में लेकर आना है, तब ये कंप्लीट नहीं है, टोटल मास के टर्म्स में लेकर आना है।
यहाँ तक हो गया? यस सर। यस सर। अच्छा अब इसमें एक चीज देखो, मुझे किसी तरह से एम प्राइम कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एम। कैपिटल एम अर्थ का मास है, रेडियस ऑफ अर्थ इज कैपिटल आर। अर्थ का वॉल्यूम कितना होगा रोशनी? इफ कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना होगा रोशनी? अर्थ का टोटल वॉल्यूम है 4/3 πr³। इसका जो मास होगा दैट मास इज कैपिटल है। इतने वॉल्यूम का मास कैपिटल है, तो मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम कितना आएगा? यूनिट वॉल्यूम विल बी m बाय 4/3 πr³। आपको जिस रीजन का मास चाहिए उसका रेडियस है r-d। सो मास ऑफ वॉल्यूम, देखो r माइनस डी जो रेडियस है इसका वॉल्यूम आएगा 4/3 πr-d। तो यूनिट वॉल्यूम का मास m बाय 4/3 πr³। तो 4/3 πr से 4/3 πr कैंसिल हो गया। तो ये जिस इसी रीजन के मास को मैं m प्राइम कह रहा हूँ। सो m प्राइम इज m बाय m इनटू सिद्रा, क्लास में हो तुम, r-d का क्यूब बाय r³। यहाँ आप फर्दर इसे सॉल्व कर सकते हो, आप r कॉमन ले लो। जब आप r कॉमन लोगे तो r³ आ जाएगा, इट्स 1-d/r³ डिवाइडेड बाय r³। सो r³ विल कैंसिल r³, दिस r³ विल कैंसिल दिस r³, और आपको ये मिलेगा m प्राइम इज m इनटू 1-d/r³। लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। So, दोबारा देख लो मैंने करा क्या। मुझे टोटल अर्थ का मास पता है कैपिटल एम, मुझे अर्थ के इतने पोर्शन का मास चाहिए, तो मैंने क्या किया 4/3 πr³ का मास एम है, यूनिट वॉल्यूम का मास निकाला इट्स एम बाय 4/3 πr³। इतना जो वॉल्यूम है 4/3 πr-d, इसका जो मास होगा जिस मल्टीप्लाइड विद 4/3 πr-d, यूनिटरी मेथड, यूनिट वॉल्यूम का निकाला गिवन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये एम प्राइम आ गया, तो एम इंटू r-d³ बाय r³। r³ आपने कॉमन ले लिया, 1-d/r³ कैंसिल हो गया, ये m प्राइम। अब इस 2 को 1 में रख दो, 2 को जब आप 1 में रख दोगे यहाँ तो ये आएगा इट्स g प्राइम, इट्स g इनटू m 1-d/r³ डिवाइडेड बाय 1-d/r²। सो क्यूब से स्क्वायर कैंसिल हो गया, जी प्राइम आ गया, और एक टर्म और थी, जस्ट वन सेकेंड कुछ गड़बड़ है, ओके सॉरी, ये r-d² है, सॉरी दिस इज r-d² तुम लोग लग रहे हो लॉस्ट हो गए बीच में, ऐसा है? कुछ रिपीट करना है मुझे इस कैलकुलेशन में? अर्पित, सांची, असलान? नो सर। फॉलो कर रहे हो ना? यस सर। तो देखो यहाँ पर ना r-d² है और m प्राइम है, सो m प्राइम की जगह मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ देखो जी 1-d/r³, यहाँ से r कॉमन ले लो, सो दैट्स r² 1-d/r², तो ये जो gm/r² है ना इसको स्मॉल g लिख लो, तो ये g प्राइम आ गया, इट्स g,
अब यहाँ देखो ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, क्यूब से ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, इट्स जी इनटू वन माइनस डी बाय आर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ, कि डेप्थ के साथ भी ये डिक्रीज करना शुरू कर देगी. It decrease with depth. D depth है या radius. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, G prime is G. आप यहाँ से ना R minus LCM ले लो R, so it will be R minus D by R. R minus D को आप small R लिख सकते हो. तो जैसे ही आएगा G prime is G, it's small R by capital R. So, अगर आप डेप्थ में देखोगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और जब आप हाइट में जा रहे थे तो देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. तो यहाँ से शेप ऑफ ग्राफ चेंज हो जाएगा. तो यहाँ तक आपने लिख लिया था, इसके बाद लिखना शुरू करो, मुझे डाउट्स बताते जाओ. यस सर, जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेप्थ पे आए तो फिर वो डिक्रीज करे, मतलब वो सेम नहीं रहेगा. जैसे जैसे सरफेस पर वैल्यू मैक्सिमम थी, जैसे ही आप सरफेस से अंदर जाओगे जी की वैल्यू डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, 9.8 से कम होनी शुरू हो जाएगी. ऐसे जब आप हाइट पर जाओगे अर्थ की सरफेस से तो जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, इट विल बी लेस देन 9.8 होती चली जाएगी. बट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ लेस ही हो रही है, दोनों केस में डिक्रीज हो रही है, मैक्सिमम इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. रोशनी इज इट क्लियर? सूरत अलविया, am I audible now? सिद्रा बस इसको नोट कर लो, फिर मैं हाइट वाले पर आ जाता हूँ. पहले से कंप्लीट कर दो फिर मैं हाइट वाले पर आ. कहाँ चली गई थी, मैं एक्सप्लेन कर तो रहा था इसको. जिस तरह कहाँ गायब हो गई थी, मैं रिपीट तो कर रहा था. अभी इतना लिखिए फिर मैं हाइट वाला. अच्छा नेटवर्क से नहीं था. ओके, आपने डेप्थ वाला लिखा था ऊपर से, स्टार्टिंग से डेप्थ वाला लिखा है पूरा? नो सर. ओके, थोड़ी सी स्पेस छोड़िए, इतना लिखिए फिर मैं ऊपर आता हूँ. ये काम करो, इसको ये है डेप्थ का, जल्दी जल्दी लिखना शुरू करो. सर दोनों केसेस में जैसे डिक्रीज कर रहा है, लेकिन जो की बात करेंगे तो हम उस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे और डेप्थ में ये वाला. यस, डेप्थ में से यूज, ये डिफरेंस है बस उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करने के लिए. राइट, gm / r स्क्वायर इज फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. हाइट पर जाएंगे तो हाइट वाला रिलेशन है, डेप्थ में जाओगे तो फिर वो जो लास्ट में निकला है. ओके सर, इसकी डेरिवेशन भी आती है एग्जाम में, आ सकती है आप. कॉमन डेरिवेशन सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं ना, तो ग्रेविटेशन में जिन कैलकुलेशन के आने के बहुत चांसेस होते हैं उसमें से एक ये है. एक पोटेंशियल एनर्जी है, एक पोटेंशियल है एस्केप वेलोसिटी, ये वो डेरिवेशन से बहुत आती है. सिद्रा नोट किया आपने? ये फिगर तो बना लिया होगा ना ऊपर वाला? यस सर.
तो इसमें लास्ट में जो स्मॉल आर आया है वो रेडियस ऑफ बॉडी है ना. स्मॉल आर लास्ट में नहीं, वो तो आर माइनस डी को मैंने स्मॉल आर कह दी. बॉडी का रेडियस कहीं नहीं है, वो जो आर माइनस डी है ना, रेडियस ऑफ अर्थ माइनस डेप्थ, उसे स्मॉल आर कह रहा. ये वाला जो सेपरेशन है, ये वाला पर्टिकुलरली, ये जो सेपरेशन है आर माइनस डी, इसको मैं स्मॉल आर कह रहा. ठीक है. सिद्रा नोट किया? यस सर. सर थोड़ा सा ऊपर कर दें. सो यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने. अब एक बात बताओ, अगर मैं इनसाइड ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ जी वर्सेस आर ग्राफ, तो शेप ऑफ द ग्राफ क्या होगा अंशिका? अगर मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ जी वर्सेस आर ग्राफ, तो यहाँ पर ये रिलेशन देखकर आप बता सकते हो जी वर्सेस आर ग्राफ का शेप कैसा होगा? दो मिनट स्क्रॉल अप कर सकते हैं और सर बस इतना ही. अंशिका G versus R graph का shape क्या होगा? Sir, can you repeat once again? आपने क्या पूछा? Just look at this expression, right? G prime is G into small r by capital R. I'm asking what is the shape of G prime versus R? Shape of G prime versus R graph. अगर आप सेंटर पर कैलकुलेट करो, एट सेंटर ऑफ अर्थ सो सिद्रा इस एक्सप्रेशन को देखो जरा ढंग से ना, इस फिगर को देखो यहाँ. दिस इज स्मॉल आर. सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर मास एम तक का जो सेपरेशन है दैट इज स्मॉल आर. अगर सिद्रा मैं इस मास एम को अर्थ के सेंटर पर रख दूं तो स्मॉल आर कितना होगा? वैल्यू ऑफ स्मॉल आर अगर इस एम सेंटर ऑफ अर्थ पर आ जाए
So the value of small r, agar m is placed at the center of earth. Noma. Zero. Zero, na. A small r is value separation between center of earth and mass m. Agar mass m bilkul exactly at the center of earth hai, to ye small r zero aa jayega. Small r will be zero. Means at center of earth, r will be zero. Agar r zero hai, then your g prime. R ki jagah zero rakh do, this g prime will be zero. It's zero at the center of earth. To ye aa gaya point. Main yahan ek point le raha hu, small r equal to capital R. Small r equal to capital R means this point lies at the surface. This point lies on the surface. So agar point surface pe lie kar raha hai, then your graph will be a straight line. Surface per straight line. Kyunki ye jo region hai, that's R is less than capital R. Ye region inside hai. Inside linear relation hota hai, then graph will be a straight line. Arvid, zara outside ke liye expression dekh kar batao mujhe shape of the graph kya hoga. Arvid, jaise hi main outside jaunga, shape of the graph kya hoga? Fir parabolic. Hyperbola. Parabola tab hota jab directly proportional to R square hota. Shape of the graph will be hyperbolic. Yes, it will. So G is proportional to R, and G is inversely proportional to R square. So this is G versus R graph for variation of acceleration due to gravity. Ye inside hai aur ye surface hai. Outside jaoge to 1 by R square variation. Is it clear? Arslan, Raj. Yes, sir. हाँ रोशनी आ गई आप कहाँ थी? सर मैं यहीं पे उस समय गला खराब इसलिए ज़्यादा नहीं बोल रही. अच्छा. Yes, sir. चलो चलिए. मैं लिखूँ सेंटर ऑफ अर्थ पे. साइज ऑफ चिकन वो वाला डेप्थ के लिए है ना ये डेप्थ नो सर सो ग्राफ पे ये वाला स्ट्रेट लाइन यस ये डेप्थ के लिए ये डेप्थ के लिए लेस देन कैपिटल आर और ये आउटसाइड के लिए इनसाइड दिस इज आउटसाइड सो इसको देखकर क्या लग रहा है सूरत मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां पर है acceleration at the surface your acceleration due to gravity is maximum and the maximum value is gm by r square aap depth mein jaoge to ye decrease karegi aap height pe jaoge tab bhi ye decrease karegi and that's 9.8 is equal to kehte ho 9.8 meter per second square that's the maximum value अच्छा इसके बाद और कई इफेक्ट्स आते हैं शेप की वजह से इफेक्ट आएगा रोटेशन की वजह से इफेक्ट आएगा इन सब की डेरिवेशंस नहीं है तो मैं तो कुछ स्टेप्स डायरेक्टली लिखूंगा अच्छा एक बात और बताओ अगर सेंटर पर जी जीरो है तो बॉडी का वेट क्या कितना होगा रोशनी रोशनी लास्ट क्वेश्चन इसके बाद नहीं पूछूंगा तुमसे यस सर वेट कितना होगा सेंटर पर जी जीरो है वेट कितना आएगा सर वेट भी जीरो ही होगा क्यों जी जीरो है वेट जीरो क्यों होगा सर बिकॉज़ वो वेट जिस फोर्स से वो खींचता है उसी को तो वेट
yes, because yes, right. Because weight is mg, na? If your g is yes, zero, sir. Then weight is zero. What about mass? Kya Roshni, mass bhi zero? No, sir, mass zero nahi hoga. Mass zero, right. So ये वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की. इतना प्लॉट कर लिया हो तो मुझे बताना सर, फिर आगे बढ़ेंगे. इसको भी लिख लेना, वेट जीरो होता है और इसी को ना वेटलेसनेस भी कहते हैं. जैसे एस्ट्रोनॉट्स के साथ नहीं होता है स्पेस में वेटलेसनेस से उनका वेट एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे ही अगर आप अर्थ के सेंटर पर चले गए देन वेट ऑफ द बॉडी विल बी जीरो, कोई वेट एग्जिस्ट नहीं करेगा. Next. इसके बाद तीसरा है. सो फर्स्ट वेरिएशन था हाइट के साथ, हाइट के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगा. सेकंड वेरिएशन है डेप्थ के साथ, डेप्थ के साथ भी डिक्रीज होगा, बट दोनों में डिफरेंस है. डेप्थ के साथ लीनियरली डिक्रीज होता है, हाइट के साथ जब आप डिक्रीज करते हो इट्स जस्ट जी एम बाय आर स्क्वायर, वन बाय आर स्क्वायर की तरह जाएगा. ये ऐसे जाएगा हाइट के साथ. अब इसके बाद थर्ड है वेरिएशन विथ शेप ऑफ अर्थ. सूरत अर्थ परफेक्ट स्फीयर है. नो सर. It's ellipsoidal, na? This is the shape. Yes, sir. This is ellipsoidal. Equatorial radius, polar radius से थोड़ा सा ज़्यादा होता है. कुछ ऐसा है अर्थ. So अगर मैं radius draw करूँ, this is known as equatorial radius, R. And this is polar radius, R. इसे कहते हैं आप equatorial radius. And this one is polar radius. So अगर आप acceleration due to gravity की value लेते हो on the equator the value of acceleration due to gravity is gm by r e square. That's my first equation. जब आप poles for acceleration due to gravity की value लोगे then this is gm over r p square. देखो equatorial radius is greater than polar radius. सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था. सर आपने इससे पहले क्या कराया सर वेरिएशन ऑफ जस्ट ये शेप बस ये ना. ओके सर थैंक यू. सो इक्वेटोरियल रेडियस इज ग्रेटर देन पोलर रेडियस. ये इक्वेशंस देखो मेराज और मुझे बताओ किसकी वैल्यू कम होगी, इक्वेटर पे वैल्यू कम होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की या पोल्स. ये इक्वेशन देखो और ये इक्वेशन देखो, दोनों को कंपेयर करो और मुझे बताओ किसकी कहां वैल्यू है. पोल्स पर वैल्यू कम होगी. ओके सूरत ये लगता है GE will be less than GP. Surat, ye hua? Yes, sir. अरे तुम लोगों को क्या हो जाता है कभी कभी भाई, ये डिनोमिनेटर कम है. डिनोमिनेटर कम होने का क्या मतलब है? ओवरऑल फ्रैक्शन सर डिक्रीज होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होगा. हाँ, इक्वेटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा, पोल्स पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होता है. ये दिस इज वेरिएशन विद शेप ऑफ अर्थ. वेरिएशन विद शेप के बाद सो शेप से ये इफेक्ट पड़ता है दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर इज लेस देन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स. इक्वेटर पर पोल्स के कंपेरेबल कम होती है. इसको भी लिखो, ये शेप की वजह से इफेक्ट पड़ा है. इसके बाद बस एक और वेरिएशन है, उसमें हम डिराइव नहीं करेंगे, डेरिवेशन एनसीईआरटी में नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे फिर क्वेश्चंस पर आते हैं. लेट्स सी कि नीट की कितनी प्रॉब्लम्स आपसे सॉल्व होती हैं.
ओके स्क्रॉल करूं यस सर सो आफ्टर शेप ऑफ अर्थ द नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अब ये थोड़ा सा सोचने वाला काम इफेक्ट ऑफ रोटेशन लाइक अब तक हमने सारी जितनी भी ऊपर तक कैलकुलेशंस करी है उन सब में ये इग्नोर किया था कि अर्थ रोटेट कर रहा है वी आर इग्नोरिंग रोटेशन ऑफ अर्थ कि अर्थ रोटेट कर रहा है इसको हम इग्नोर करके चल रहे थे लेकिन अगर मैं अर्थ का रोटेशन भी कंसिडर कर लू तो देखो रिजल्ट क्या आएगा दिस इज द एक्सिस ऑफ अर्थ The radius of the earth is capital R. Earth ऐसे rotate कर रहा है ये rotation of earth अगर आप consider करो और यहाँ आपकी body रखी है mass m की let's say this is body of mass m इस पर एक gravitational force तो act करती है यहाँ act कर रही है that's gravitational force जो आप calculate करते हो gmm by r square से मुझे ही बताओ कि अगर ये earth rotate करे तो क्या body पर कोई और भी force act करे बता सकते हो अर्थ के रोटेशन की वजह से इफ अर्थ इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन टॉर्क नहीं नहीं सेंट्रीफ्यूगल वेरी गुड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर कोई चीज रोटेट करे और आप उस रोटेशन बॉडी के ऊपर बैठ जाओ सो दैट बॉडी विल एक्सपीरियंस अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सो दिस मास एम विल एक्सपीरियंस अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स This will experience a centrifugal force away from the center. So, इसको जरा ढंग से देखो नोमा क्या लगता है आपको नेट फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है बहुत सिंपल सा काम सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर सो व्हाट विल हैपन विद द नेट फोर्स इट विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज नोमा डिक्रीज It will decrease. अब आप सोच सकते हो इसे relate कर सकते हो acceleration due to gravity से. किसका क्या effect पड़ेगा on acceleration due to gravity? It will remain same. It will increase or it will decrease. The value of acceleration due to gravity. Sir, same रहेगी. Same रहेगी. Okay. Arpit, ऐसे ही लगता है? Acceleration due to gravity की value constant रहेगी या increase करेगी या decrease करेगी? नोमा के अकॉर्डिंग सेम रहेगी डिक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी ना देखो नेट फोर्स जब डिक्रीज हो रही है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नेट फोर्स पर डिपेंड करता है जब ये रोटेट नहीं कर रहा तो सिर्फ एफ जी एक्ट कर रहा था बट अब एफ जी माइनस एफ सेंट्रीफ्यूगल एक्ट करेगा सो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल डिक्रीज दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए So this body is placed on the surface of Earth. Earth ke rotation ki wajah se is pe ek centrifugal force act karegi which is acting away from the center. Gravity acts towards the center. So the net force will decrease. Na? Net force will be gravitational force minus centrifugal force. Net force ke decrease honne ki wajah se kya hoga? Acceleration due to gravity ki value decrease ho jayegi. Because acceleration due to gravity is force by mass. Agar force decrease ho gai, to acceleration due to gravity bhi decrease ho jayega. Right? Okay, sir. So, due to rotation, acceleration due to gravity will decrease. Acceleration due to gravity decrease कर देगा. तो आपको acceleration due to gravity की value अब जो होगी, that will be g. माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा सो यहाँ बाकी सारी टर्म्स तो आप जानते हो ओमेगा मैं लिख सकता हूँ एंगुलर वेलोसिटी लैम्डा देखो लैम्डा लैटिट्यूड होता है सो अगर ये इक्वेटर वाली लाइन है इसे लैटिट्यूड कहते हैं ये लैटिट्यूड ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा लैटिट्यूड अर्थ की सर्फेस पर कोई भी पॉइंट हो उसे अर्थ के सेंटर से कनेक्ट कर दू ये इक्वेटर है इक्वेटर के साथ जो एंगल बनाएगा दैट एंगल इज लैटिट्यूड इक्वेटर का लैटिट्यूड क्या होगा महाराज अगर मैं इक्वेटर पे कोई पॉइंट ले रहा हूं तो लैटिट्यूड क्या होगा तो 180
सांची जीरो 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 होगा अगर आप पॉइंट कहीं भी लोगे ना ऑन द इक्वेटर, तो इक्वेटर के लिए लैम्डा जीरो, तो आपका जो जी प्राइम होगा दैट्स जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर जीरो, कॉस जीरो इज वन, तो आपका जी प्राइम आ जाएगा इट्स जी माइनस आर। लेकिन अगर मैं इक्वेटर पे आ रहा हूँ, दिस इज द वैल्यू एट द इक्वेटर, अगर मैं पोल्स पर आ रहा हूँ, सूरत पोल्स पर क्या वैल्यू होगी लैटिट्यूड की? दिस इज पोल ना, ये पोल है 90 डिग्री, लैम्डा वुड बी 90 डिग्री। सो इफ आई पुट लैम्डा इक्वल टू 90 डिग्री है, देन द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स इज जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90। सो एट पोल दिस विल बी इक्वल टू जी। तो मुझे देखकर बताओ क्या पोल्स पर रोटेशन का कोई इफेक्ट पड़ रहा है? सो एनी इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन पोल? देखो नो सर, ये था ना इफेक्ट रोटेशन का, ये तो जीरो हो गया। सो नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑन पोल, पोल्स पर रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता। जो भी इफेक्ट पड़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ इक्वेटर पर, ये और जगह पड़ेगा, पोल्स पर नहीं पड़ता। अच्छा, सो इसमें ना कभी कभी एक आध चीज और भी पूछ लेता है, कहता है अच्छा एक काम करो यार, डिफरेंस बता दो पोल्स और इक्वेटर के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो पोल पर तो वैल्यू जी थी, इक्वेटर पर ये है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। सो यू कैन चेक दैट दिस जी विल कैंसिल दिस जी एंड यू आर लेफ्ट विद ओनली आर ओमेगा स्क्वायर, you are left with only r omega square, so that's delta g. So this is the change in the value of acceleration due to gravity, this is r omega square. So equator or poles for sirf rotation ki wajah se jo effect padta hai, that effect is this r omega square. This is effect of rotation, last variation mein tha. So isko bhi likho, phir sum up karenge and we'll start with numericals. सिंपल एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करने को आ सकती है, सिर्फ इफेक्ट ऑफ रोटेशन ही आता है कैलकुलेट करने के लिए? सिर्फ एक्सेलरेशन आता है, मतलब बिना आपको रोटेशन के भी आएगा। अभी हम करेंगे प्रीवियस ईयर्स, तो आपको दिख जाएगा पूरा कि अब तक नीट में किस किस टाइप के से क्वेश्चंस पूछे। दो न्यूमेरिकल्स में करा दूं जस्ट टू क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट, फिर हम प्रीवियस ईयर्स करते हैं, तो आपको खुद दिख जाएगा क्या क्या आता है। अच्छा, अगर मैं एक लाइन में पूछूं आपसे कि रोटेशन की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों डिक्रीज हो रहा है, तो रोशनी क्या बताएंगे आप? दिस वन लाइन, व्हाई द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस ड्यू टू रोटेशन? यस रोशनी सर, आई डोंट नो। और कोई ट्राई करेगा? सिद्रा, सिद्रा ट्राई करोगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज क्यों कर रही है ड्यू टू रोटेशन?
वैसे मैंने सब लिखा हुआ है, फिगर में भी सब चीजें हैं। नोमा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्यों डिक्रीज कर रही है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ? ऐसा क्या हो रहा है रोटेट करने से कि वैल्यू कम हो जाती है? नोमा जो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करा देती है। ओके कुछ क्वेश्चंस देखो जस्ट देखने के लिए कि फॉर्मूला कैसे यूज होता है, फिर उसके बाद हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। स्क्रॉल करूं से लिख लिया सबने? अरसलान, अर्पित, यस सर, यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन, सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको ये सीखना है कि हाइट और डेप्थ वाले रिलेशंस कैसे यूज करते हैं। तो कहता है कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ acceleration due to gravity in first part height of r by 4, r is radius of earth, r by 4, second part depth le lete hain, new depth le lete hain, height of r by 4 and depth of r। फॉर्मूले आप सबके पास लिखे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा मुझे बताना शुरू करो। मुझे बताओ हाइट की वेरिएशन के लिए आप कौन सा एक्सप्रेशन यूज करेंगे? जी प्राइम के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, कौन बताएगा? साची, जी इज इक्वल टू 1 - 2h/r। देखो 1 - 2h/r तब यूज करेंगे जब रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरेबल हाइट बहुत कम, हाइट हाइट के लिए बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं हमारे पास। मोस्ट एप्रोप्रिएट देखो कौन सा होगा, ये वाला तो यूज ही नहीं कर सकते, तो तब यूज करेंगे जब हाइट रेडियस से बहुत कम होगी। आप एक तो ये यूज कर सकते हो और एक ये यूज कर सकते हो। ये ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा क्योंकि स्मॉल जी के टर्म्स पे दिया, जी बाय 1 + h/r का होल स्क्वायर। So you can write this as that your g prime is now g by 1 + h/r whole square. So h is r by 4. जब आप यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे देन इट्स जी बाय इट्स 1 + r/4/r, ये कैंसिल हो गया। सो जी प्राइम आ जाएगा इट्स जी बाय
वन प्लस वन बाय फोर, सो इट्स फाइव बाय फोर का होल स्क्वायर. इट्स 25 बाय 16 को आप ऊपर ले जाइए तो जी प्राइम आ जाएगा, दैट्स 16 बाय 25 जी. ये है जी प्राइम की बात. अब अगर आपको परसेंटेज चेंज चाहिए so that will be g prime minus g by g multiplied by 100. So it's 16 g by 25 minus g by g multiplied by 100. So aap g common le sakte hain, 16 g minus 25 ho jayega minus 9 g by g multiplied by. और एक 25 और आ जाएगा. देखो परसेंटेज चेंज निकालने का तरीका ही होता है, आप चेंज निकालो बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100. और अगर नेगेटिव आ गया दैट मींस डिक्रीज कर रहा है. सो ये जी से जी कैंसिल हो गया, 25 4 100 9 4 36 -36%. जैसे आप हाइट पर जाओगे आर बाय फोर की हाइट पर, योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल डिक्रीज बाय 36%. ऐसे वो आपसे कह रहा है डेप्थ में कैलकुलेट. So, जब आप डेप्थ लोगे देन योर डी इज आर बाय 4. डेप्थ के लिए कोई रिलेशन मिला है? इन शो कर रहा है ना डिक्रीज. डिक्रीज यस, नेगेटिव शो कर रहा है कि सरफेस के कंपेरेबल ही है, डिक्रीज. डेप्थ में कोई एक्सप्रेशन बताएगा मुझे? डेप्थ में क्या है? g1 माइनस d अपॉन r. g1 माइनस d अपॉन r. सो योर डी इज आर बाय 4, फॉर d इक्वल टू r बाय 4 है, सो इट्स g 1 माइनस r बाय 4 इनटू r. सो इट गेट्स कैंसिल आउट. So your g prime will be g. It's 4 minus 1. So that's 3 by 4. Na? Yeah, yeah. G prime. Yeah. So aap percentage change calculate kar sakte. G prime minus g by g multiplied by 100. So yeah, yeah. 3 by 4 g minus g by g multiplied by. So, ये कितना आ गया? G से G cancel हो गया, 3 by 4 minus 4, 1 by 4, it's 25 आ जाएगा, minus 25%. So, ऐसे आप use करोगे, अगर ये height पे जा रहा है, तो height पे G की value वैसे decrease हो जाएगी. इसको लेगो. और उसमें मुझे डाउट्स बताते जो अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम है. इसमें सर यस सर, ऐसे तो सारे हाइट और डेप्थ के क्वेश्चन में नेगेटिव साइन ही आना चाहिए आंसर में. सब में नेगेटिव है. सूरत क्लियर है कैलकुलेशंस? यस सर. अल्विया सिद्रा कैलकुलेशंस क्लियर है? सर कैलकुलेशंस क्लियर है बट व्हाट नेटवर्क इश्यूज हो रहे थे मैं अच्छे से समझ नहीं पाई सब. इसमें कुछ ऐसा है जो मैं रिपीट कर दूं अभी सिद्रा? ये वाला न्यूमेरिकल सर क्वेश्चन तो समझ में आ गया सॉल्यूशन.
ये ना सब्ट्रैक्ट करके g by 4 आ जाएगा, माइनस g by 4, सो g से g कैंसिल होगा 4 और 125. हो गया ना? यस सर. ओके, अब जरा प्रीवियस इयर्स पर आओ. सो इसमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर इसको करना जरा 14, अभी रिसेंट का है 20 का. जल्दी जल्दी करो 14, मुझे बताओ क्या रहा है. आज बहुत सारे तो नहीं हो पाएंगे. कुछ आया आंसर? अभी कर रहा है कैलकुलेट? मुझे ही करना है, अगर मुझे ही करना है तो मैं भी कर 5 मिनट कर रहा हूँ. कर रहे हैं जी, है घर आंसर आया किसी कुछ? सर बस आने वाला है, आने वाला है क्या? सीधा सा क्वेश्चन है, सीधा सा कुछ नहीं करना इसके अंदर, मुश्किल से 3-4 लाइन की कैलकुलेशन. चलो अर्पित का आया भाई, एक का आंसर आ गया, दैट मींस इतना टाइम था कि सॉल्व किया जा सकता था. आपको वेट दिया हुआ है, वेट होता है mg के इक्वल, व्हिच इज 72. दैट मींस मास आपको दिया है 72 बाय g. इसको पहले इक्वेशन लिख देता है. अब वेट चाहिए एट अ हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ. अगर हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ पर वेट का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. कैलकुलेट कर लो क्या होता है, जी बाय अभी लिखवाया था 1 + h/r² देखो आप ये तो नहीं कर सकते है ना कि 1 - 2h/r तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो आप तब यूज करोगे व्हेन हाइट इज कंपेरेबल टू द रेडियस. स्मॉल लेंथ द रेडियस ऑफ अर्थ या तो हाफ है, सो h इज r / 2. देखो यार तुम ये सब्स्टिट्यूशंस करोगे, g prime is g 1 + r/2 और ये r और ये होल स्क्वायर.
आर से आर कैंसिल हो गया, सो जी प्राइम आ गया, जी वन प्लस वन बाय हाफ इज थ्री बाय टू का होल स्क्वायर, इट्स फोर बाय नाइन जी, ये जी प्राइम आ गया। अब अगर जी प्राइम आपको मिल गया तो फिर आप कैलकुलेट कर लो यार, वेट क्या होता है, एम जी तो होता है, तो एम जी प्राइम हो जाएगा, मास अभी निकाला था हमने 72 बाय जी, 72 बाय जी मल्टीप्लाइड बाय 4 जी बाय 9, सो जी से जी कैंसिल हो गया, 9 8 जा 72 हो गया, 4 8 जा 32, है कुछ ऑप्शन? यस, अर्पित का सही आंसर, लिख लो जल्दी से, जल्दी जल्दी लिखो, ये आया समझ में, करा क्या मैंने? यस सर, आया। सिर्फ h by 2 height पर मैंने acceleration due to gravity की value calculate कर लिया, the weight is nothing but mass into the value of acceleration due to gravity, तो ये आपका 2020 का question था। देखो जैसे जैसे आप पीछे जाओगे ना, like NEET में 2018, 17, 13, 15 मतलब question stuff होते चले जाएंगे, और जैसे जैसे आप आगे आओगे 2020, 21 आपको दिखेगा standard of question गिर रहा है, 2021 बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके सो आज को यहीं छोड़ेंगे, थर्सडे विल कंटिन्यू विद दिस, कुछ न्यूमेरिकल्स करने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, देन विल स्टार्ट विद ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल, नेक्स्ट टॉपिक वुड बी फील्ड एंड पोटेंशियल, चलो आज से यहीं छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, चलो बाय, थैंक यू, थैंक यू सर, यस सर, थैंक यू सर।